माँ को देखो बेटे को, वो कितना लाड लड़ाती है। खुद सोती है कीले में, सूखे में तुझे सुलाती है। और जहां मैं आके जो इंसान अपनी माँ का न हुआ, वो यहाँ का न हुआ और वहां का न हुआ। तो माँ की सेवा कर ले बावरे, माँ की पूजा कर ले बावरे। क्या रखा इस देह में, अरे दोनों आलम छुपे हुए हैं मीम अलीफ के पर्दे में। तो सिर्फ वही चरण प्रस्तुत करूंगा। अपना नहीं तुझे, और प्रकाश जी और उनके पूरे परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो रचना है, इसके एक दो चरण जो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं मां के लिए, जो आपका स्नेह है उसी के निमित्त। अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई माँ, तुझे अपना सुख दुख नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। कॉर्डलेस है हेलो। एक बार आप सब लोगों ने अपनी माताजी को याद करना है, मैं भी मेरी माताजी को याद करूंगा, मैं भी करूंगा। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने को अपनी दुनिया
और ये जो दुनिया है ये वन है और तू ओ ओ ओ कोख से जन्म लिया है वे अवश्य अपनी मां को याद करें और दोनों हाथ ऊपर करके कहें ओ ओ, ओ, ओ मां ओ, ओ, ओ मां ओ, 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 चरण इसमें है नहीं मगर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज ये पूरे सिसोदिया परिवार गहलोत परिवार की क्या भावना सायरी देवी के लिए स्वर्गीय मातृश्री के लिए सायरी देवी को नमन हमारा जो जो परिवार से लोग हाथ जोड़े दो दोनों हाथ इस प्रकार सायरी देवी को नमन हमारा सायरी देवी को नमन हमारा मीठे लगते अच्छा लगता तुमको बच्चा प्यारा कितनी तू कितनी तू कितनी शीतल है तू कितनी अच्छी है और प्यारी प्यारी है और ये जो दुनिया है समर्पित तो अगर सबके सब लोग इस प्रकार मां से प्यार करने लग जाए तो मैं कहता हूं कि जीवन में कभी किसी बात की कमी आई नहीं सकती कमी आई नहीं सकती क्योंकि जिन पे मां बाप का आशीर्वाद होता है वे आंधियों से टकरा जाए तूफानों से टकरा जाए वे भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते
महेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, भगवान नजर जब देखूं तेरी सूरत, वो जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, सूरज कब दूर किरण से, दूरी गगन से खुशबू कब दूरी पवन से, कब दूरी बाहर चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, कितना मरम है शब्दों में। मां और जा, उसने कहा कि देखिए कोई कहता है, सनातनी कहते हैं कि भी मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाएगा, मुस्लिम कहते हैं कि मरने के बाद में आदमी अच्छे कर्म करेगा तो जन्नत में जाएगा, मगर वो जन्नत है कहां, वो स्वर्ग है कहां, एड्रेस पता आपको? मैं बताता हूं, मैंने साहित्य पढ़ा है। उसने एक बहुत सुंदर गान किया, मां का कोई लफड़ा नहीं रखा, उसने कहा कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, इसका मतलब तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, तू यहीं पर अपनी मां के चरणों की सेवा कर ले तो तुझे जन्नत ही मिल जाएगी। मां बच्चों की चाहती है, मां बच्चों मत वाले जिनके माँ होती है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी निर्मल है, तू कितनी प्यारी है, जगह नहीं सका कोई कहते
शब्द के साथ भी न्याय हो, स्वर के साथ भी न्याय हो, कंपोजिशन के साथ भी न्याय हो और लय के साथ भी न्याय हो। इतने कार्य करने के बाद अगर कोई करता है, करना चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ। Oh,